Good morning, everyone. Okay, today we will learn question number 6 of the page 4, exercise 1.1. तो page 4 है, exercise की ना 1.1 का हम question number 6 को आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो इस question को सीखने से पहले हम पहले एक जो generally जो बच्चा लोग जो students लोग mistake करते हैं, वो कहाँ करते हैं? ये minus of minus 9, जैसे कि minus 3, minus 6. ये नेगेटिव नेगेटिव इसका आगे कितना है देखो कितना सही है ओनली वन इसका आगे भी कितना ओनली वन ये बढ़ जाता है यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स लोग ओके ये 9 9 10 इस 9 का आगे कितना सही 2 है कंटीन्यूअस है ना कोई नंबर नहीं है सिर्फ ब्रैकेट से क्या कंटीन्यूअस है 10 इस दोनों इसका है दोनों किसका साइन है 9 का साइन यहाँ क्या है 6 का साइन ओनली 1 दैट इज माइनस 3 का साइन ओनली 1 दैट इज माइनस तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस टोटल माइनस कितना हो जाएगा 9 या माइनस माइनस प्लस ये तो माइनस माइनस प्लस यहाँ मोड्स होता है ये दिस मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लिकेशन माइनस इनटू माइनस हमेशा प्लस होता है ओके तो यहाँ कहाँ बच्चा लोग जहाँ कहाँ मिस्टेक करता है हियर देन आगे देखो ये नंबर ये इंटीजर का आगे इन फ्रंट दिस इंटीजर हाउ मेनी साइंस आर देयर टू साइंस बोथ आर नेगेटिव देन नेगेटिव नेगेटिव द रिजल्ट इज पॉजिटिव हियर This 6 integer bears what? Negative sign. This 6, 3 integer bears what? Minus, negative integer. Then minus, minus, negative, negative, total negative. 3 plus 6, 9. Total negative. This is the main, the students main mistake. Okay, students generally यहाँ पर mistake करते हैं. Minus, minus, plus है बताइए. Minus, minus. यहाँ देखो minus आगे देखो. यहाँ क्या है? Continuously, consecutive है. कोई number नहीं है. तो minus, minus क्या हो जाए? Plus, अगर प्लस माइनस नाइन ये कौन का है प्लस माइनस देखो इस आगे के इस नंबर के आगे देखो सी इन फ्रंट दिस नंबर इंटीजर नाइन हैज बीआर टू साइंस माइनस एंड आल्सो प्लस देन प्लस माइनस अगेन माइनस सो दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो माइनस आगे दो होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा टोटल नेगेटिव अगर माइनस थ्री प्लस सिक्स क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या करना हमको ऑब्वियसली सबट्रैक्ट करना है सबट्रैक्ट करेगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जो साइन भरा हमको देखना पड़ेगा कौन साइन डोमिनेट कर रहा है डोमिनेट मींस हम ऊंचा वो नीचे तब नीचे वाला को हमेशा ऊंचा वाला डोमिनेट करे तो यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर इसलिए हमारा यहाँ पॉजिटिव है अगर इन केस ये माइनस होता और ये प्लस होता यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है माइनस नेगेटिव इंटीजर डोमिनेट कर तो क्या हो जाएगा साइन माइनस आएगा ओके सो मेन थिंग ओके ये मेन इज एंड सपोज अगर तीन इंटीजर है ओके माइनस टू थ्री उसके बाद माइनस फाइव ये तीन इंटीजर है ओके देखो कहाँ पे हमको प्रॉपर्टी यूज करना है अगेन हम हमेशा रिविजन करते रहते हैं ताकि अब परफेक्ट हो जाए ये तीन इंटीजर है सपोज मान लो ये ए है ये बी है ये सी है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे एड अगर एड करना है तो माइनस टू प्लस थ्री माइनस प्लस माइनस फाइव हमेशा क्या नेगेटिव इंटीजर को हमेशा अंडर ब्रैकेट रखना है ठीक है इसको भी चाहो तो हम अंडर ब्रैकेट रख सकते हैं अगर हम यहाँ एडिशन है फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ एडिशन है देखो ये तीनों इंटीजर क्या है एडिशन है तो एडिशन होने से हम मैंने कहा ना यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ठीक है ओके तो माइनस हम कम्यूटेटिव क्या हम यूज क्या करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज माने कम्यूट एक जगह से ट्रैवल ट्रैवल माने चलना एक जगह से दूसरा जगह चलना देयर इज कम्यूट तो कम्यूटेटिव तो यहाँ हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम ये माइनस फाइव को आगे लेंगे ठीक है ये माइनस टू को यहाँ रखो ये माइनस फाइव प्लस ये माइनस फाइव प्लस है ना ये माइनस फाइव को आगे लेंगे ठीक है ये क्या है देन प्लस थ्री ओके ये तो क्या हो गया मेरा कम्यूटेटिव अब यहाँ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ये दो को पहले प्लस करेंगे माइनस टू और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस टू क्या हो जाएगा टोटल नेगेटिव माइनस फोर ओके प्लस थ्री हमने क्या क्या हमने यहाँ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया ओके आपको यूज करो बोल के नहीं होगा क्वेश्चन में कभी देखिए आपको कहीं अगर बताया गया कहीं कहीं में ऑप्शनल होता है जैसे कि आपको जिससे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करो बोल के अगर क्वेश्चन में लिखा तो आपको करना ही पड़ेगा अगर नहीं लिखा है तो आपका मर्जी हम क्या यहाँ में हम चाहो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं देखिए हमने क्या क्या यहाँ में हमने पहले क्या क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज मींस इस जगह को हमने थ्री को यहाँ लेके आया फाइव को आगे लेकर कम्यूटेटिव ओके ये दोनों
order of the change, change the order of the number. ये number का order को हमने change कर दिया, minus 5 को आगे लिखा, 3 को पीछे लिखा, ठीक है ना? देखो, ओ ये minus 5 है ना, this is minus 5 आगे लिखा हमने, तो कितना हो जाएगा? minus 2 plus minus minus कितना हो जाएगा? minus 7, okay? फिर plus 3, क्या क्या हमने 5 को आगे लिया, 3 को पीछे लिया, minus minus, total negative बिना minus 7 plus 3, तो फिर इसमें से 3 आ गया ना, हमने क्या commutative कर दिया, इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, ठीक है? तो दोनों को चेंज कर दे, ये कॉम्पिटिटिव हमने यहां में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया, क्या इसको पहले प्लस कर, इसको पहले कर दे, तो माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 मीन नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव माइनस 7 प्लस 3, ओके। तो यहां क्या हमने क्या यूज किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, टोटल कितना हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि हियर द नेगेटिव मींस डोमिनेट्स टू द पॉजिटिव, दैट्स व्हाई द अल्टीमेट रिजल्ट इज इन इज इन नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव में होगा, तो ये माइनस 4 होगा। अगर हमने सोचा कि हम बिना प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो सी माइनस 2 प्लस है 3 एंड प्लस माइनस 5, ओके, हम बिना प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम सोचा क्या हमको यहां कोई जरूरत नहीं कि हमको यहां प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि हमको आंसर मिल सके, तो सीधा हम करेंगे माइनस 2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5, ओके, नेगेटिव नेगेटिव टोटल नेगेटिव कितना माइनस 7 प्लस 3, माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4, देखो यहां में हमने प्रॉपर्टी यूज किया माइनस 4 आया, यहां विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज अगेन वी हैव गॉट व्हाट, वी हैव गॉट माइनस 4, तो बोथ आर सेम। तो कहीं कहीं में हमको यहां रूट 3 आ जाता तो आपको डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा एसोसिएशन, क्यों ये दोनों प्लस नहीं कर सकता, ये दोनों नहीं, ये हायर क्लास में आप सीखेंगे, अभी राइट नाउ यू नो नीड टू लर्न अबाउट अ रूट, ओके। तो इसलिए छोटा से आपको एसोसिएटिव कॉम्पिटिटिव वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हर मेरा हर क्लास में मैं ये कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव को मैं याद दिलाता हूं तुम्हें, ताकि कॉन्फ्यूज ना जाए एसोसिएटिव कहां यूज करें कॉम्पिटिटिव कहां। हमने सबसे पहले कॉम्पिटिटिव यूज किया, प्लेस चेंज किया, देन हमने ग्रुप बनाया दिया, हमने किया तो दोनों यूज किया, आंसर इज माइनस 4, हम विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज अगेन वी कैन गेट द सेम आंसर। सो अगर आप चाहो तो यूज करो, अगर नहीं तो नहीं, अगर बुक्स में लिखा क्वेश्चन देखिए एनी हाउ आपको यूज करना है कंपलसरी है तो देयर यू कैन यूज, अगर क्वेश्चन में नहीं देखे प्रॉपर्टी यूज करो बोलकर अगर नहीं दिया तो नो नीड, पर इन हर क्लास आपको कहीं ऐसे हो जाएगा कि आपको यूज करना ही पड़ता है, जैसे कि आपको ऐसे आ गया सपोज मान लो रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 6 या मैं माइनस 3 ये प्लस प्लस है, तो हम सबसे पहले ये और ये इसको इजीली कर सकते हैं, ओके। क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ ले इसको यहाँ ले, एक कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज कर दिया, उसका हमको ग्रुपिंग करना पड़ेगा एसोसिएट, तो ऑटोमेटिकली यूज हो ही जाता है एडिशन में, आपको ऑटोमेटिकली अपना आप यूज हो जाता है, हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हमको कॉम्पिटिटिव एडिशन ना कॉम्पिटिटिव यूज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसके बाद हम क्या एसोसिएशन भी बना सकते हैं, अगर आपको कहीं करने हुआ तो कर सकते हैं, बार इन नेगेटिव में नहीं कर सकता है। देखो ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ओके, सपोज ये सेकेंड इंटीजर 5 हो गया, दोनों क्या है सब्ट्रैक्ट, क्या है सब्ट्रैक्ट करना, तो सबसे पहले माइनस 2 क्या करना हमको सब्ट्रैक्ट है ना, सब्ट्रैक्ट और ये क्या हो गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सपोज ये इसका अंदर कुछ नहीं तो प्लस है, ओके, प्लस होता है ये पॉजिटिव इंटीजर, बाकी क्या हम लोग लिखते नहीं, तो माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7 आया ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, हम पॉजिटिव है तो क्या हमको नेगेटिव है। अगर हमको इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम यूज किया, यूज करो तो ये 5 आगे ले जाओ, ओके, ये पॉजिटिव ये लिखने जरूरत है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, और माइनस है और कौन है सेकंड फर्स्ट में कौन है माइनस 2 है, ठीक है ना, हमने फर्स्ट चेंज नहीं किया, सेकंड हमने चेंज कर, देखो इसको आगे लिया पॉजिटिव इंटीजर को आगे लिया नेगेटिव इंटीजर को पीछे लिया, उसका माइनस किया, देखो उसका बाद 5 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, देखो टोटली चेंज हो जाएगा, यहां माइनस 7 है यहां प्लस 7, सो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आप सब्ट्रैक्शन है तो अप्लाई नहीं कर सकते, आप चेंज करेगा टोटल चेंज हो जाए, देखो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है सब्ट्रैक्शन में, तो हम अगर सब्ट्रैक्ट है तो आगे पीछे नहीं करना, अगर आपने ऐसे किया सपोज ये है रूट 3 माइनस 6, अगर ये माइनस 6 है उसका प्लस माइनस 2 है, हम ये दोनों को चेंज करेगा टोटल रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट है तो ये दोनों भी चेंज करेगा रॉन्ग हो जाएगा, सो सब्ट्रैक्शन में हम नहीं कर सकते हैं, कम्यूटेटिव भी नहीं कर सकता है, एसोसिएटिव भी नहीं कर सकता, हम एवरी डे आई रिवाइज व्हाई बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव क्या है दिमाग में डाल देना है, क्या है दिमाग में डालना है, उसके बाद बाकी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव आता है उसमें भी कम्यूटेटिव आता है, अगर ये हम क्लियर हुआ था वहां पे आपको एसोसिएटिव है ये कम्यूटेटिव आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा।
इसलिए हम शुरू में ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये एसोसिएटिव और ये कॉम्पिटेटिव जब इससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा, डिविजन में भी आएगा, हर क्लास में आते रहेगा एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन और वन मोर एड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज है, उसका बाद क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, शायद आप लोग पूरा समझ गए होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों इंटीजर को कैसे नेगेटिव में भी कहते हैं सब्ट्रैक्ट में भी आता है, सेम इंटीजर आता है, दोनों इंटीजर को प्लस करेगा तो जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर आता है, दैट्स नॉट बट इज कॉम्पिटेटिव एंड एसोसिएटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर बीच में सब्ट्रैक्ट होगा कोई भी इंटीजर का आगे माइनस फाइव प्लस सिक्स का बीच में अगर माइनस आ गया तो आप कोई भी यूज मत करो, इधर उधर नहीं करने का, सीधा आपको करते जाना, ठीक है। तो एवरी डे आई रिवाइज फाइव, क्योंकि इस पर क्लियर हो जाओ तो मल्टीप्लिकेशन हम इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा, एंड इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई टीच द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर में वही है एसोसिएटिव है, उसके बाद फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटिव एक टू एड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स आस्क टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम कल क्वेश्चन नंबर फाइव तक कर चुके हैं, मैंने कहा पहले बहुत बार बोल चुका हूँ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसको हम लोग जैसे नहीं बनाया, जैसे कोई ग्रेजुएट कर लिया डिग्री बराबर पी एच डी माने मालूम नहीं फिलोसोफर पी एच डी साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर लोग बराबर उन लोग ने भी क्वेश्चन को सेटअप करते हैं स्टूडेंट का एज उसके बाद मेच्योरिटी को देखते हुए बनाया जाता है, क्योंकि टीन एज लोग को कैचअप कैसे करना सब माने एक सिस्टम होता है उसका मतलब ही चलता है। अगर हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन छोड़ दिया, मान लो हम बोला आई एम ए टैलेंटेड टीचर आई कैन मैनेज द, हम बाहर से पढ़ाएगा एक किताब को छोड़ दो, हम बाहर से पढ़ाएगा आप कुछ नहीं कर सकता, 10 9 जगह मैक्स 0 क्या यार कुछ समझता नहीं, क्या क्वेश्चन है यार, क्योंकि तुमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन किया ही नहीं, 7 में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो 1 का टेक्स्ट बुक नहीं किया तो 9 में क्या करें, कुछ नहीं करें वो, अगर हमने अगर आउटसाइड से अगर मैं पढ़ाएगा तो इजी करेगा ना, मेरा दिमाग से करना मीन्स, और जो साइकोलॉजिस्ट लोग है जो पीएचडी के वो डिफरेंस होता है, दैट्स व्हाई हमेशा मैं फोकस हमेशा बड़ा क्लास को क्लास 8 का स्टूडेंट को यू कैन आस्क पूछ सकते हैं, जब भी मैं मैथ्स सिखाता हूँ तो हमेशा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का हम फोकस कर सीधा मैं कहते करता टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, रीटा गोस, क्या है रीटा गोस, ये इंफिनिट टेंस है, गो का सा क्यों ईएस लगता है ये भी तो जानना जरूरी है, गो है गो का साथ ईएस क्यों लगता है, गो का साथ आईएनजी क्यों लगता है, ठीक है। तो गो का साथ ईएस किस लगता है, इन्फिनिट्स में, जैसे कि आई ईट एन एप्पल, हम एक एप्पल खाते हैं, आई ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स खाते हैं ना, खाते हैं लेकिन खा रहा तो नहीं है, खा चुका भी नहीं बोल रहा, खाएगा भी तो नहीं बोल रहा, क्या खाता है, तो यहाँ भी एक स्टेटमेंट, दैट मीन्स क्या ये स्टेटमेंट है, रीटा गोस 20 किलोमीटर, जिससे कि रीता एक 20 किलोमीटर जाता है लेकिन जा रहा है नहीं, वो गया भी नहीं है, वो जाएगा भी नहीं बोल रहा, क्या बोलते हैं एक्सटेंडमेंट दे रहा है, तो उसको बोलते हैं इन्फिनिट टेंस, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस बोलते हैं, जैसे कि राम ईट्स एन एप्पल, तो राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो यहां में देखो ये तो स्टेटमेंट है, ईट्स खाता है, खा रहा भी नहीं है, वो खाया भी नहीं, खाएंगे भी नहीं बोल रहा, क्या है राम खा रहा है, हम लोग का नजर में वो खा रहा है, मीन्स कंटिन्यूअस क्या राम इज ईटिंग एन एप्पल, माने खा रहा है हम लोग का सामने, नजरों के सामने जो खा रहे, तो आईएनजी लगे, इट्स माने एक स्टेटमेंट है, माने ना उसने खाया ना खाएगा ना खाने वाला है, से खाता है। तो रीटा एक लड़की का नाम है, रीटा गोस, गो का जब हम ओ से ई एस लाते हैं, जैसे ई ए टी में एस लाते हैं ना, यहाँ में ओ है ना, ओ क्या बॉवेल है, ए ई आई ओ यू बॉवेल है, बॉवेल के पीछे हमें से ई एस लाते हैं, अगर समझ गया ना ये दिस इज ओ, इसलिए ओ बॉवेल से इसलिए क्या लगा ई एस लगा, बाकी सब मिले ड्रिंक ड्रिंक माने पीना, अगर स्टेटमेंट ऑफ ड्रिंक्स ऐसे एस लगा ई एस नहीं लगा, जहाँ बॉबेल है वहाँ ईएस लगे। तो रीटा गोस, रीटा जाती है कि ना 20 किलोमीटर, कि ना जाती है रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स के ओर, टुवर्ड्स मी मेरे ओर आ रहा, टुवर्ड्स हिम तुम्हारे ओर, टुवर्ड्स माने के ओर मेरे ओर आ रहा है, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरे ओर आ रहा है, सी इज गोइंग टुवर्ड्स यू तुम्हारा ओर जा रहा है, दैट्स टुवर्ड्स जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो रीटा गोस 20
20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट का यहां तरफ है, क्या है ईस्ट हमेशा यहां आता है ना, वेस्ट का होता है यहां होता है, ठीक है लेफ्ट साइड। तो रीटा, तो रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो फ्रॉम पॉइंट ए एक पॉइंट देखो, ठीक है ये ए हो गया, ओके पॉइंट ए से कितना किलोमीटर जाता है ईस्ट फ्रॉम 20 किलोमीटर, ठीक है कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, कितना जा रहा है 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है 20 किलोमीटर जाती है। रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने हम मेरा घर से, फ्रॉम हिम उससे, फ्रॉम मुंगोर, मुंगोर से, तो फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से रीटा 20 किलोमीटर टुवर्ड्स, टुवर्ड्स माने ईस्ट, ईस्ट की ओर 20 किलोमीटर जाती है, ओके तो कहां पहुंच गया उसने, बी में पहुंच गया, ठीक है कहां पहुंच गया, यहां से चल के 20 किलोमीटर के कहां पहुंच गया पॉइंट बी में, तो फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी ये है, पॉइंट बी से सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ओके कहां ये फ्रॉम रीटा गोस टुवर्ड्स टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से टुवर्ड ईस्ट जाता है, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहां वेस्ट होना चाहिए, 1 मिनट वेस्ट, ओके तो क्वेश्चन में कहता है रीटा गोस 20 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अब सपोज ये इस साइड इज वेस्ट, ओके यह साइड क्या वेस्ट है, ये साइड क्या है ईस्ट है, ओके ईस्ट, तो रीटा गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, सपोज पकड़ लो ये पॉइंट ए, ओके पॉइंट ए से रीटा गोस जाता है, रीटा गोस जाता कहां जाता है, रीटा गोस टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से 20 किलोमीटर ईस्ट तक जाता है, ठीक है ये पॉइंट, ओके तो कितना जाता है ईस्ट तक जाता है, कितना जाता है 20 किलोमीटर, कितना जा रहा है 20 किलोमीटर, कहां से फ्रॉम पॉइंट ए से कहां तरफ जा रहा है ए तरफ जा रहा है, ओके फ्रॉम पॉइंट बी, तो कहां पहुंच गया ये बी पहुंच गया, ओके तो रीटा कहां ए से कहां तरफ जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर, और कहां रुक गया उसका बी, तो फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो सेम ऑन सेम रोड, सेम रोड से यहां बी से अगेन सेम रोड से जाएगा, कितना जाएगा 30 किलोमीटर, यहां से फिर सेम रोड से चलते गया कितना गया 30 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, पहले क्या रीटा ए से कहां गया वेस्ट, इस ए से ना पॉइंट ए से कहां तरफ गया ईस्ट तरफ, कितना 20 किलोमीटर, फिर पॉइंट बी से जहां उसने रुका वहां से क्या सेम मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, फिर यहां से वेस्ट तरफ गया टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड, सेम रास्ता से जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो वापस वेस्ट तरफ गया, ठीक इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर इसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेगा इसका डायरेक्शन को, ओके अगर हम बोला ना इसका डायरेक्शन क्या से रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेगा, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड वेस्ट, तो ये यहां पॉजिटिव होता है ये क्या हो जाएगा ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, आगे हमने तीन कदम ले गए मैं पॉजिटिव हो गया, फिर हमने दो कदम पीछे आया तो माइनस करना पड़ेगा ना, हमने तीन कदम आके फिर दो कदम माइनस हो तो मेरा फिर कितना एक कदम सिर्फ आगे हुआ, थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा, फिर हम एक कदम में रुक जाएगा, हमने पांच कदम भर के फिर थ्री कदम पीछे आए दैट मींस हम कहां आ गया फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा टू, तो हम टू में रुक जाएगा, तो सेम यही अगर जो आगे आता है वो क्या है पॉजिटिव, जब भी पीछे जो बैक करता हो नेगेटिव, गाड़ी आगे जाएगा तो पॉजिटिव थ्री किलोमीटर गया, फिर एक किलोमीटर वापस आ गया तो कहां रुक गया वो दो किलोमीटर, तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहां ये पॉजिटिव हुआ था हम नेगेटिव को इट इज देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड वेस्ट, तो इस तरफ क्या पॉजिटिव है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा वेस्ट तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 20 मीटर उसने इस साइड पॉजिटिव है तो बैक कितना गया उसने 30 किलोमीटर गया वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन बाय व्हिच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो उसने ए से स्टार्ट किया ठीक है ए से स्टार्ट करके बी में आया बी से फिर वो कहां आया वो ए तरफ आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उसका फाइनल क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा क्या फाइनल पोजीशन क्या है इसका इस वन इज द फाइनल, ये 20 किलोमीटर और आगे आया पीछे 30 किलोमीटर गया तो कितना उसने आगे पीछे ज्यादा गया ना, तो ये फाइनल पोजीशन कितना है उसका, तो फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए से ये फाइनल पोजीशन का आपको डिफरेंस कैसे रिप्रेजेंट करेगा ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस 30 से 20 जाएगा कितना हो जाएगा हाँ माइनस 30 से 20 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 ना 20 20 यहां आ गया तो ये ए से यहां तक
ए से यहां तक कितना हो जाएगा आपको माइनस 10 हो जाएगा। देखो 20 से माइनस 30 से 20 करेगा कितना हो जाएगा, तो उसका फाइनल पोजीशन कितना हो जाएगा माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल टुवर्ड्स वेस्ट, तो हम क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ओके तो द डिस्टेंस डिस्टेंस हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ओके वी विल रिप्रेजेंट ओके द डिस्टेंस travel towards west by negative integer, okay? हम negative integer से represent करेंगे, okay? फिर final position from A कितना हो जाएगा, and therefore final position from A कितना हो जाएगा is माइनस 10। माइनस 10 होगा ना, देखो माइनस 30 पीछे गया तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा माइनस 10, यहां तक कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 20 कितना माइनस 30, तो कितना हो जाएगा माइनस 10, तो लास्ट आंसर इज माइनस 10। ओके ओके, ये इतना क्वेश्चन अच्छा समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन इजी हो जाता है। ओके ओके, देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।